साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं। सीरीज वाइज मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए थे यूरोप कंट्री से रिलेटेड। आज अपन बात करेंगे पुर्तगाल कंट्री से रिलेटेड, क्योंकि मैं वही वीडियो अभी फिलहाल बना रहा हूं जो काफी टाइम से लगभग 6-7 महीने से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर पुर्तगाल, पोलैंड या जर्मनी या फिर ये जो यूरोप कंट्री से रिलेटेड जो कंट्री है इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाइए ताकि हमें सही इंक्वायरी का पता लग सके, क्योंकि आपको पता भाई लोग गलत की बजाय इन कंट्रियों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे पुर्तगाल कंट्री से रिलेटेड। अगर पुर्तगाल आप जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज आने वाले टॉपिक पे सही इंक्वायरी आपको मिल सके। तो सर जी बात करें पुर्तगाल कंट्री क्या है। पुर्तगाल आपको पता होगा कि एक पुर्तगाली जिस आदमी ने इंडिया की खोज की थी, जी हाँ साथियों, अंग्रेजों से पहले एक पुर्तगाली इंडिया में आया था, वास्को डी गामा, जी हाँ साथियों, इस बंदे ने इंडिया की खोज की थी, यहाँ पे आया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे वो आए थे, फिर पुर्तगालियों को उन्होंने निकाल दिया और उनका खुद का आधिपत्य इंडिया पे हो गया, जिन्होंने 200 वर्ष तक इंडिया पे राज किया। उससे पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है साथियों कि उस पे किसी देश ने कब्जा नहीं कर पाया, वो कंट्री एक तरह से आजाद रही थी क्योंकि पहले से ही वो प्रभावशाली कंट्री थी। इस वजह से उन्होंने काफी कंट्रियों पे बहुत सालों पहले के राज किया था, लेकिन उस कंट्री पे किसी कंट्री ने भी राज नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे पुर्तगाल कंट्री से रिलेटेड। अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो वीजा किस तरह से अप्लाई होता है, कौन कौन से वीजे में क्या क्या प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप वीजा ले रहे हो पुर्तगाल का, ठीक है, जिसमें आप विजिट वीजा पुर्तगाल का आप ले रहे हो, या फिर आप वर्क परमिट वीजा पुर्तगाल के लिए ले रहे हो, या फिर आप रेजिडेंशियल वीजा पुर्तगाल के लिए ले रहे हो जिसमें आपको वहां पे जाके रहना है। आपको एक बात बता दूं साथियों कि पुर्तगाल में रेजिडेंसी वीजा लेना बहुत आसान है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आज से लगभग 2007-08 से पहले तक पुर्तगाल का इमिग्रेशन इतना हार्ड था कि और कंट्रियों के जरा बराबर ही सेम ही था, लेकिन अभी 2007-08 में वहां की गवर्नमेंट ने कुछ नियमों में ढील देके कुछ सिस्टम बदलाव करके संविधान में और रेजिडेंशियल जो वीजा है उसमें बहुत सारी रियायतें बरत दी। ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट किस तरह से आप वीजा लेते हो तो आपको होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। पुर्तगाल में 2008 के बाद में एक कानून बना था जिसको 8080 कानून के नाम से बोला जाता है। ठीक है, 8080 कानून के तहत, समझ रहे हो, आपको उसके तहत आप अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, पुर्तगाल का वीजा इतना आसानी से नहीं मिलता जितना आसानी से आप सोच रहे हो, क्योंकि ये यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तब आपको वीजा मिल जाएगा। इसमें कंडीशन ये, अगर आपके पास लीगल वीजा है, यहाँ से आप विजिट में वहां जा रहे हो आपके पास वीजा है, अगर आपके पास वर्क परमिट वीजा मान लीजिए या फिर विजिट वीजा आपके पास है और वहां के नियम आप फॉलो करते हो जिसमें आप फैमिली के साथ वहां पे रह सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहेगी, आपके पास वीजा होना चाहिए, जी हाँ साथियों वीजा होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास वर्क परमिट वीजा अगर आपके पास होता है, आपके पासपोर्ट में मान लीजिए वर्क परमिट वीजा होता है, या फिर वहां आप विजिट में जाके मान लीजिए किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, आपके पास ऑफर लेटर ओरिजिनल कंपनी के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उसके बेस पे भी आप ये वीजा ले सकते हो। और दूसरी बात, इसमें आपका बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन वहां का लोकल होना चाहिए, उस पर ये प्रूफ होता है कि आपके पास यहाँ पे आपके ऊपर कोई मुकदमा कोई केस नहीं है, आपके पास कोई आपराधिक आप गतिविधियों में लिप्त नहीं है, इसके लिए आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। तीसरी बात, आपका इनकम टैक्स फाइल होना जरूरी है, जी हाँ साथियों, पुर्तगाल एक ऐसा सिस्टम है कि आप यहाँ से वहाँ कमाने के लिए जा रहे हो फिर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसका परसेंट आपको आपसे लिया जाता है, टोटल 23 या 24% टैक्स होता है जिसमें से 11% टैक्स आपको खुद को पे करना पड़ेगा अपनी सैलरी से। ये हो सकता है आप माइनस पॉइंट मान लीजिए या वहाँ की सिस्टम के हिसाब से प्लस पॉइंट मान लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से पुर्तगाल में आप रेजिडेंशियल वीजा ले सकते हैं, जिस वीजा में वहां पे आप वहां के नागरिक हो जाते हो। आपके साथ साथियों, आपके पास वीजा हो, वर्क परमिट वीजा अगर आपके पास है, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ओके है जिसमें आपके पास किसी की तरह का कोई मुकदमा नहीं है, इनकम टैक्स की फाइल है, कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पासपोर्ट आपका वैलिडिटी के अनुसार है,
तो आप वहां के पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आपको पुर्तगाल का पीआर मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो किस तरह से आपको वीजा मिलता है, सैलरी क्या रहेगी, कौन से जॉब में आपको जॉब मिल सकता है, कितनी तनख्वाह कौन से हिसाब से आपको मिल पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पुर्तगाल में जॉब और सैलरी से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। अगर कोई पुर्तगाल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।